हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जो कई अलग संस्कृति के लोगों का देश है। जिस देश के नज़ारे देखकर कुछ हद तक आपको भारत की याद जरूर आएगी। दक्षिण अमेरिका में मौजूद यह देश अपने इतिहास के लिए काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए इस खूबसूरत देश की अजीब और रोचक जानकारी के बारे में जानते हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थित कोलंबिया का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया है। कोलंबिया का औपचारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया है। कोलंबिया को 1819 में स्पेन से पूरी तरह से आज़ादी मिली थी। कोलंबिया देश की राजधानी बोगोटा है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। कोलंबिया देश की कुल आबादी 4,97,00,000 है, जिसके अनुसार यह दुनिया का 28वां सबसे बड़ा देश है। कोलंबिया की करेंसी कोलंबियन पेसो है, जो कि हमारी इंडियन करेंसी के सामने थोड़ा कमजोर पड़ती है, और हमारे इंडिया का 1 रुपया वहाँ के 44 पेसो के बराबर है। इस देश की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। इसके अलावा भी यहाँ 70 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। 11,41,748 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में एकमात्र ऐसा देश है जो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के समुद्र तट पर मौजूद है। कोलंबिया में तकरीबन 300 समुद्र तट हैं, जो 2000 मील से भी ज़्यादा का एरिया कवर करते हैं, जिनका आनंद लेने कई देशों के पर्यटक इस देश में आते हैं। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। कोलंबिया की सरकार एक लोकतांत्रिक संवैधानिक गणराज्य है। बाकी कई देशों की तरह यहाँ भी लोगों द्वारा एक राष्ट्रपति चुना जाता है। कोलंबिया देश 32 प्रांतों से मिलकर बना है, जिन्हें विभागों के रूप में जाना जाता है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा समुद्र तल से 8,360 फीट ऊपर है और दुनिया के सबसे ऊँचे शहरों में से एक है। इसे दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों में भी गिना जाता है। दोस्तों, जब आप घनी आबादी वाले स्थानों के बारे में सोचते हैं तो भारत या हांगकांग या फिर चीन शायद आपके दिमाग में आते होंगे, लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाला भूभाग कोलंबिया के तट से दूर एक छोटा सा द्वीप है, सांता क्रूज डेल स्लोट। यह द्वीप लगभग 1.5 फुटबॉल मैदानों के आकार का है और इसमें 2,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और वे लोग आत्मनिर्भर भी हैं। कोलंबिया देश का एक तिहाई हिस्सा अमेजन जंगलों से घिरा हुआ है। कोलंबिया देश में एक कमाल की नदी भी पाई जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ 7 रंगों का पानी बहता है। इस नदी का नाम रिवर ऑफ 5 कलर्स और लिक्विड रेनबो है। इस नदी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि पानी में रेनबो के इफेक्ट आ गए हैं। कोलंबियाई लोगों द्वारा हर साल कुल 18 सार्वजनिक छुट्टियाँ मनाई जाती हैं। इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ देने वाला देश कोलंबिया है। कोलंबिया में एक अजीब तरह का कानून भी है, जिसके अनुसार वहाँ पर रेडियो और टीवी पर सुबह और शाम 6 बजे राष्ट्रीय गीत चलाना जरूरी होता है। कोलंबिया के लोग हर समय काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। कोलंबिया देश के लोग एक दूसरे से बात करते समय या फिर हाथ मिलाते समय आंखों में आंखें डालकर बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा नाच गाना इन्हें बेहद ज़्यादा पसंद होता है। यही कारण है कि 2013 और 14 में कोलंबिया दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल देश था। क्या आप जानते हैं, प्रसिद्ध गायिका शकीरा कोलंबिया की ही रहने वाली हैं। कोलंबिया के बोगोटा शहर की स्ट्रीट आर्ट पूरी दुनिया में फेमस है। बोगोटा शहर की सड़कों को टेक करने के लिए दुनिया भर से कलाकार आते हैं। तकनीकी रंग के भित्ति चित्रों को कला के अलावा और कुछ बताया नहीं जा सकता है। स्ट्रीट आर्ट पूरी राजधानी शहर बोगोटा में पाया जा सकता है। यहाँ की सरकार इसका समर्थन भी करती है। क्या आप जानते हैं, दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 12% कॉफ़ी कोलंबिया में ही पैदा होती है, इसलिए कोलंबिया में कॉफ़ी को पानी की तरह पिया जाता है। कोलंबिया को दुनिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाले देशों में से एक माना जाता है। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले कोलंबिया में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। कोलंबिया कभी दुनिया की मर्डर की राजधानी के रूप में जाना जाता था। उस समय यहाँ पर हर दिन 17 मर्डर हुआ करते थे। उन दिनों कोलंबिया को मर्डर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि हाल के वर्षों में इसने एक नया मोड़ लिया है और अब इस देश को सांस्कृतिक केंद्रों में से एक होने के लिए जाना जाता है। कोलंबिया दुनिया के 90% पन्ना का उत्पादन करता है और जो देश से निकलते हैं उन्हें दुनिया में सबसे शुद्ध माना जाता है। यहाँ 150 से अधिक खदानें दुनिया के कुछ बेहतरीन पन्नों का उत्पादन करती हैं। कोलंबिया की औरतें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मानी जाती हैं और जो महिलाएं कम अट्रैक्टिव होती है वह अपने आप को ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेती है और ऐसा करना इस देश में काफ़ी ज़्यादा आम बात है। कोलंबिया दुनिया के सबसे ऊंचे ताड़ के पेड़ों का घर है, जो कि मध्य कोलंबिया के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ की कोकोरा घाटी में
सिर के ऊपर 80 फीट ऊंचे पेड़ काल्पनिक पौधों की तरह लगते हैं। दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे बड़ा बाइक रोड कोलंबिया में ही स्थित है। यह 300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल कोलंबिया में ही होता है, जिसे बेरवा अमेरिकाना कहा जाता है। कोलंबिया के ग्रामीण इलाकों में अधिकांश क्षेत्र हथियारों से लैस सुरक्षा गार्डों द्वारा सुरक्षित हैं और पर्यटकों द्वारा वहां पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। क्या आप जानते हैं कोलंबिया रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी है। रिंग ऑफ फायर दुनिया का वो हिस्सा है जहां कई ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते हैं, जिसके कारण कोलंबिया को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। यह दक्षिण अमेरिकी देश समृद्ध इतिहास और मैत्रीपूर्ण चेहरे से भरा है। आधुनिक सुविधाओं वाले शहरों और ऐतिहासिक स्थलों के अलावा यह दिखाता है कि यह पिछले वर्षों में कितना आगे आया है, जो कि कोलंबिया को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक बनाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मौज मस्ती करने वाले लोगों के देश कोलंबिया के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोलंबिया के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और देश की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।